हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम रन यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ रेडियो समस्थानिक, जिनका जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिंदास होकर पढ़िए सभी लोग, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। प्रयोग होता है कैंसर के उपचार में और शल्य चिकित्सक उपकरणों में। शल्य चिकित्सक उपकरणों में, ठीक है, याद रखिए इसको। शल्य चिकित्सक उपकरणों की सफाई में होता है इसका प्रयोग। कोवाल साठ का प्रयोग होता है कैंसर के उपचार में और शल्य चिकित्सक उपकरणों में। इसको भी अच्छे से याद रखिए। आपको पता है फास्फोरस हड्डियों से संबंधित है, तो इसका प्रयोग हड्डियों के कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है। फास्फोरस 32 का प्रयोग कहाँ होता है? हड्डी के कैंसर के लिए, हड्डी के कैंसर के लिए होता है, ठीक है। फास्फोरस 32 का प्रयोग किसके लिए होता है? फास्फोरस 32 का प्रयोग होता है हमारा हड्डियों के कैंसर के लिए। इसको आप सभी लोग याद कर लिए और इन सभी को नोट डाउन करते जाइए अपनी अपनी कॉपी पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैडमियम 109। थर्ड है कैडमियम 109, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा? कैडमियम 109। इसका प्रयोग कहाँ होता है भाई? भाई लोग, इसका प्रयोग होता है हमारा मिश्र धातुओं का पता लगाने में होता है इसका प्रयोग। कैडमियम 109 का प्रयोग कहाँ होता है? मिश्र धातुओं का पता लगाने में। नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग, एग्जाम में बहुत आते हैं यहाँ, एक दो नंबर में पूछ लिया जाता है मिश्र धातु का पता लगाने में, ठीक है। कैडमियम 109 का प्रयोग कहाँ होता है? मिश्र धातु का पता लगाने में होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग, कैडमियम 109 का प्रयोग होता है मिश्र धातु का पता लगाने, ठीक है। अब है हमारा अमेरिकियम 241, फोर्थ नंबर पे है अमेरिकियम 241। अमेरिकियम 241 तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? धूम्रपान डिटेक्टरों में इसका प्रयोग होता है। धूम्रपान डिटेक्ट करने में, जैसे कोई आदमी धूम्रपान करके गाड़ी चला रहा है तो उसका पता कैसे लगाया जाए? तो उनके पास एक सेंसर होता है, उसमें एक समस्थानिक होता है जो धूम्रपान को डिटेक्ट कर लेता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? धूम्रपान डिटेक्टरों में और सिनेमाघरों में खासकर यूज होता है धूम्रपान डिटेक्टरों के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? धूम्रपान डिटेक्टर के रूप में अमेरिकी 241 का। इसे सभी लोग याद रखें, ठीक है। सभी लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोगों के पास पहुंचे ये वीडियो। आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रसंस्कृत हाइड्रोजन। प्रसंस्कृत हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है जलने, कटने और चोट लगने पर इसका प्रयोग
किया जाता है। जैसे हम कहीं जल गए तो प्रसंस्कृत हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टरों के पास जाते हैं, हमारी चोट में कहीं चोट लग जाती तो डॉक्टर किससे साफ करता है? हमारा प्रसंस्कृत हाइड्रोजन से साफ करता है। प्रसंस्कृत का मतलब होता है परिशोधित शुद्ध हाइड्रोजन, ठीक है? इसको भी याद रखिए आप लोग, जलने कटने और चोट लगने पर इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा होलोनियम। होलोनियम 166, होलोनियम 166 इसका प्रयोग कहाँ होता है? होलोनियम 166 का प्रयोग हमारा गठिया रोग के इलाज में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गठिया रोग के इलाज में, गठिया रोग के इलाज में, ठीक है? होलोनियम 166 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गठिया रोग के इलाज में किया जाता है। ये सभी लोग आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा ल्यूथीनियम 177, सेवा नंबर ल्यूथीनियम, ल्यूथीनियम 177, ठीक है? ल्यूथीनियम 177 इसका प्रयोग होता है अंदरूनी रेडियोथेरेपी में। जब हम रेडियोथेरेपी कराने जाते हैं तब इसका प्रयोग होता है ल्यूथीनियम अंदरूनी रेडियोथेरेपी, ठीक है? इसको भी याद रखिए सभी लोग, ल्यूथीनियम 170 का प्रयोग कहाँ होता है? अंदरूनी रेडियोथेरेपी में होता है। नेक्स्ट है हमारा सीजियम 137, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जरूरी जरूरी याद रखें। सीजियम SSC में पूछा है, सीजियम 137 ब्रैकीथेरेपी और कैंसर के इलाज में इसका भी प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? ब्रैकीथेरेपी और कैंसर के इलाज में होता है, कई बार पूछा गया है। कहाँ होता है? ब्रैकीथेरेपी और कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग होता है, और कैंसर के इलाज में। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। NTPC प्रीवियस से उठा के देख लीजिए, या रेलवे या SSC उठा के देख लीजिए, या स्टेट लेवल एग्जाम उठा के देख लीजिए आप, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे इससे संबंधित, ठीक है? SSC बैंक में और रेलवे में, ठीक है? या स्टेट लेवल को तुम्हारा, ठीक है? तो मुझे पता है मैंने पेपर दिया है, 4-5 पेपर दिए थे पिछले साल, तो मेरे पेपर्स में आए हैं सवाल, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। जो चीज पेपर में आने लायक है वो मैं आपको अच्छे तरीके से कराऊंगा, तो आप सभी लोग पढ़ते जाइए बस मेरे साथ, और शेयर कर दीजिए सभी लोग वीडियो को, जो भी देख रहे हैं लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा आयोडीन 131, आयोडीन 131 सबको पता है। आयोडीन का प्रयोग कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड में, जब हमारे यहाँ पर गठिया पड़ जाती है तब क्या किसका प्रयोग होता है? आयोडीन 131 का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? थायराइड कैंसर में इसका प्रयोग होता है। कहाँ होता है? थायराइड कैंसर में, इसका प्रयोग होता है। कहाँ होता है इसका प्रयोग? आयोडीन 131 का प्रयोग होता है थायराइड कैंसर में, ठीक है? सभी लोग याद रखिए इसको। नेक्स्ट है हमारा जीनोन 133, जीनोन 133, ठीक है? जीनोन 133 इसका प्रयोग कहाँ होता है? फेफड़े में वेंटिले रक्त के प्रवाह का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है? फेफड़े में होता है इसका प्रयोग, फेफड़े की बीमारी का पता लगाने में, फेफड़े में वेंटिले और रक्त प्रवाह, वेंटिले और रक्त प्रवाह का पता लगाने में होता है, ठीक है? इसको भी याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए सभी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ जो आप लोगों को, ठीक है? और सभी दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज यार चैनल को, ठीक है? सभी लोग ध्यान से। नेक्स्ट है हमारा थोलियम 201, थैलियम 201 इसका प्रयोग कहाँ होता है? हमारा थैलियम
एक का प्रयोग होता है परमाणु कार्डियोलॉजी और ट्यूमर का पता लगाने में प्रयोग होता है। कहाँ होता है? परमाणु कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी और ट्यूमर का पता लगाने में होता है, ट्यूमर का पता लगाने में। ठीक है, सभी लोग इसको याद रखिए, परमाणु कार्डियोलॉजी और ट्यूमर का पता लगाने में कहाँ थैलियम 201 का प्रयोग होता है। ठीक है, अब है गैलियम 67। गैलियम 67 का प्रयोग होता है हमारा चिकित्सकीय इलाज में, चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है गैलियम 67 का प्रयोग। गैलियम 67 का प्रयोग कहाँ होता है? चिकित्सकीय इलाज में, चिकित्सकीय इलाज में। ठीक है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये चीजें आप पढ़ते जाइए, बस याद रखिए इनको, नॉर्मल जो मैंने बताया इम्पोर्टेंट था वो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, गैलियम 67 का प्रयोग कहाँ होता है? चिकित्सकीय इलाज में होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा आयरन, आयरन 57। आयरन 57 का प्रयोग कहाँ होता है? रक्त के ट्रेसर के रूप में इसका प्रयोग होता है, रक्त के ट्रेसर के रूप में, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, तो इससे हम रक्त के ट्रेसर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। रक्त के ट्रेसर का मतलब खोजना, रक्त के ट्रेसर के रूप में। ठीक है, ये भी आप याद रखना। इसके बाद आता है हमारा आयोडीन 125। आयोडीन 131 का प्रयोग कहाँ हुआ था हमारा? थायराइड कैंसर में। आयोडीन 125, आयोडीन 125 का प्रयोग कहाँ हुआ? आंख के कैंसर में होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? आंख के कैंसर में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आयोडीन 125 का प्रयोग कहाँ होता है? सभी लोग याद रखिएगा, आंख के कैंसर में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा आर्सेनिक 74, ये आते ही है यार एग्जाम में, याद रखना इनको सभी लोग, आर्सेनिक 74। ठीक है, आर्सेनिक 74 का प्रयोग भी ट्यूमर की खोज में होता है, और मैंने आपको बताया था ट्यूमर की खोज में होता है, और थैलियम का भी बताया था मैंने आपको, थैलियम का प्रयोग भी ट्यूमर की खोज में होता है, ट्यूमर की खोज में। आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ होता है? ट्यूमर की खोज में होता है। इसको भी सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, याद रखना। ठीक है, इन सभी चीजों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सभी लोगों से मिल जाना है यार, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए सभी लोग। अच्छा अच्छा कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ मैं इस बार, जो आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, अभी रेलवे में सेलेक्ट हूँ, मैं भी आगे तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, आपको पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, तो सभी लोग आप ध्यान रखिएगा ये बात। अब नेक्स्ट हमारा सोडियम 24। सोडियम 24 का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे कहीं हमारी औद्योगिक पाइपलाइन रहती, बड़ी बड़ी पाइपलाइन, उनको क्या पता कहाँ फूट रही है पाइपलाइन, तो कहीं रिसाव हो रहा है पाइपलाइन में, तो उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम 24 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? औद्योगिक पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने, रिसाव का पता लगाने में। ठीक है, औद्योगिक पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाने में और रक्त परिसंचरण तंत्र में भी इसका प्रयोग होता है, रक्त परिसंचरण, परिसंचरण में, रक्त परिसंचरण की खोज में भी इसका प्रयोग होता है, थक्का का पता लगाने में इसका प्रयोग होता है सोडियम 24 का। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं समस्थानिक थे, इनको आप याद रखना। एक तो और बता देता हूँ मैं, जैसे यूरेनियम 293 और यूरेनियम 238 का प्रयोग कहाँ होता है? यूरेनियम 238 का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु रिएक्टरों में होता है, ऊर्जा का प्रयोग, जहां से हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं परमाणु रिएक्टरों में इसका प्रयोग होता है, जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में ये स्थापित है, कामनी मिनी रिएक्टर में इसका ही प्रयोग होता है यूरेनियम 238 का। और भी महत्वपूर्ण है, जैसे H1 हाइड्रोजन, H2 क्या हो गया हमारा ड्यूटेरियम, और H3 क्या हो गया हमारा ट्राइटियम हो गया, तो ये सभी आप ध्यान रखना। तो चलिए एंड करते हैं आज की क्लास को।
तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपील आप सभी लोग, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।